पंचवटी में जब भगवान राम लक्ष्मण व सीता सहित निवास करते हैं, एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा दोनों राजकुमारों को देखकर अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सम्मुख रखती है। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। आपने लंकेश्वर रावण का तो नाम सुना ही होगा, मैं उन्हीं की ही बहन शूर्पणखा हूँ। प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला मुझे। तुम तपस्वी के भेष में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवताओं के पराक्रम वाले परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम, मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, इसीलिए मैं पति भाव रखकर तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करोगे? परंतु देवी, मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी धर्मपत्नी सीता। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, तो क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहां जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाइयों ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है केवल इस शूद्र स्त्री सीता के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। अगर मैंने तुम दोनों की चिता ना जलवा दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं और खरदूषण मेरे भाई नहीं। भैया, मेरी नाक काट दी।